चैत नवरात्रि के दिन सर्वास सिद्धि योग अमृत योग का संयोग बन रहा है, जिसका असर सभी 12 राशियों के जातकों को देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ 5 राशियां ऐसी है जिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया है कि चैत नवरात्रि की शुरुआत में इस बार ऐसे संयोग के बीच हो रही है जिसमें 5 राजयोग महायोग बन रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग, सस योग, बुधादित्य राजयोग, मालव्य राजयोग, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जिनसे कई राशियों के जातकों को लाभ मिलेगा। जाने राशियां 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और यह जो नवरात्रि है विशेष संयोगों के साथ प्रारंभ हो रही है, यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पहले दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में यह नवरात्रि प्रारंभ होगी और ज्योतिषी गणना के अनुसार हम देखें तो नवरात्रि के पहले दिन 5 ज्योतिषी योग भी बनने जा रहे हैं। कौन कौन से योग हैं? वह पहला, शनि अपनी मूल त्रिकोणी कुंभ राशि में विराजमान होने से शस नाम का राजयोग बना रहा है। शुक्र अपनी उच्च राशि में मालव्य योग बना रहा है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में पहले से विराजमान गुरु के साथ युति करके गजकेसरी योग भी बना रहा है। और मीन राशि में बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है और मीन राशि में ही बुध शुक्र के साथ विराजमान है तो लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार उस दिन ज्योतिषी गणना के अनुसार मालव्य योग बन रहा है, शस नाम का राज योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इन 5 योगों के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ यह नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और इस प्रकार 5 योग जो बन रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारे 12 राशियों को शुभ प्रभाव देने जा रहे हैं। 12 राशि वालों को किसी न किसी भी प्रकार से लाभ शुभता की प्राप्ति होने जा रही है, लेकिन उनमें भी जो 5 राशियां विशेष तौर पे जो अति शुभ अति लाभ प्राप्त करने जा रही है उन राशियों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। कुंभ राशि, माँ दुर्गा की विशेष कृपा हो रही है तो कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का आगमन होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का पराजय होगा, शत्रु जो हैं वे नष्ट होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए धन का लाभ होगा, भाग्योदय होगा, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग हैं, साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति इस राशि के जातकों को होने जा रही है। सिंह राशि के जो जातक हैं इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, नई नौकरी के योग हैं या पुरानी नौकरी में आप हैं वहाँ प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी और नए मित्र जो हैं वह नए मित्रों के साथ इनकी मित्रता होगी। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको इन योगों के कारण नवीन ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, रुका हुआ धन इनको प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके भी धन में वृद्धि के योग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्यों में सफलता के योग हैं, व्यापार में सफलता के योग हैं। जो विवाह योग्य इन 5 राशि के जो जातक हैं जो विवाह के इच्छुक हैं इन जातकों को वैवाहिक कार्य में शुभता की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, ऐसा इन 5 योगों से 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है।